शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के दूर दराज इलाकों के जधोरी इलाके को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने की मुहिम तेज हो गई है। इस दौरान जधोरी देवता साहब सौर के सौंदर्यकरण का भी प्रयास किया जाएगा। इस दौरान समाज सेवियों ने स्थानीय महिला मंडलों, युवक मंडलों और बुद्धिजीवियों के सहयोग और मार्गदर्शन से आगे बढ़ने का फैसला लिया है, ताकि इस दूर दराज क्षेत्र को स्थानीय प्राकृतिक झील को पर्यटन की दृष्टि से उभारा जा सके। उन्होंने सभी क्षेत्र के लोगों से आह्वान किया है कि समूचे क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आगे आएं। अभियान के संचालक किशोरीलाल ने बताया कि क्षेत्र से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और बुद्धिजीवियों के साथ महिला मंडलों, युवक मंडलों ने क्षेत्र के सौंदर्यकरण का बीड़ा उठाया है, जो सफल रहा। भविष्य में भी इस अभियान को जारी रखा जाएगा। आज ग्राम पंचायत जगोरी में ग्राम सौंदर्यकरण अभियान का हमने आयोजन किया। डॉक्टर MS मेहता जी, श्री लक्ष्मण कनेर जी, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री जगदीश ठाकुर के मार्गदर्शन द्वारा हमने इस अभियान का आयोजन किया था, जिसमें युवक मंडलों, महिला मंडलों का भरपूर सहयोग रहा। मैं महिला मंडलों, युवक मंडलों का दिल से धन्यवादी हूँ कि उन लोगों के सहयोग द्वारा हम लोग इस अभियान को सफल बनाने में कामयाब रहे। भविष्य में भी हम लोग ऐसी गतिविधियाँ करते रहेंगे जिसमें युवक मंडलों और महिला मंडलों ने मिलकर कार्य करने की इच्छा जाहिर की है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं, आए और अपने गांव के हित के लिए कुछ नेक कार्य करें। महिला मंडल प्रधान चंडी ने बताया कि समाज सेवियों ने ये सकारात्मक पहल शुरू की है, इसमें महिलाओं का सहयोग भी भविष्य में मिलता रहेगा। महिला मंडल चंडी की प्रधान समाज सेवकों द्वारा अभियान चलाने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। यह एक सराहनीय पहल थी जिसमें चंडी महिला मंडल ने भरपूर सहयोग दिया, भविष्य में भी देते रहेंगे। जधोरी पंचायत की पूर्व प्रधान ने बताया कि समाज सेवियों द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है और ऐसे प्रयास लोगों को प्रेरणा देते हैं, इस क्षेत्र की सुंदरता को बनाए रखने में और बल मिलेगा। पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत जगोरी, तो आज हमारे जगोरी के सौर क्षेत्र में हमारे जगोरी गांव के समाज सेवकों ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे आने वाले समय के लिए हम बहुत आगे पहुंचे। तो इन युवाओं का, युवतियों का और समाज सेवकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये जो कदम उठाया है, यहाँ तक ही नहीं, आने वाले समय के लिए, आगे के लिए, मतलब ये चलता रहे। युवक मंडल के सदस्य दीपक ने बताया कि समाज सेवियों के सहयोग से पौधारोपण भी किया गया, भविष्य में भी इस तरह के सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। मैं दीपक ठान को, युवा मंडल सदस्य जगोरी, आज जो यहाँ पे समाज सेवकों ने जो कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय था, पौधारोपण कार्य। मैं भविष्य में भी चाहूंगा कि आगे भी ऐसे ही कार्य हो और सभी ग्रामवासियों से मैं अनुरोध करूंगा, इसमें भरपूर सहयोग दें आप लोग, धन्यवाद। क्लब के सदस्य ने बताया कि जधोरी गांव के सौर स्थान पर सौंदर्यकरण को लेकर प्रयास किया गया, जिसमें समाज सेवियों ने भी उनका सहयोग किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी युवा इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपना काम करेंगे। आज गांव जगोरी सौर स्थान पर ग्राम समाज सेवकों द्वारा पौधारोपण किया गया, जो कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। हम लोग आप लोगों से आशा रखते हैं कि आप लोग आने वाले समय में ऐसे ही गांव को विकसित करने में अपना योगदान दें और हम गांववासी आपका भरपूर योगदान देंगे।